जिला कांग्रेस कमेटी ने भी संविधान निर्माता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान अतुलनीय रहा है। उन्होंने देश को न केवल उत्कृष्ट संविधान दिया बल्कि समाज सुधार के क्षेत्र में भी कार्य किया है। कांग्रेस ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज 14 अप्रैल 2021 को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती कांग्रेस पार्टी कार्यालय बागेश्वर पे मनाई गई, जिसमें पार्टी कार्यालय के अध्यक्ष लोकमणि पाठक जी की अध्यक्षता पे की गई। वो साथ ही बाबा भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर विमर्श किया गया। वो उनकी सोच को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वो साथ ही इस कार्यक्रम में छात्र संघ उपाध्यक्ष जयदीप कुमार जी, वो साथ ही तमाम कांग्रेसी और NSU कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज देखिए, बाबा साहब जी की 130वीं जयंती के अवसर पर हमने पार्टी कार्यालय में आज श्रद्धांजलि आपको अर्पित की है, जिसमें संविधान निर्माता बाबा साहब जी का यही कहना था कि उनके विचार विमर्श के माध्यम से उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, एक अच्छा, जिसको हम कह सकते हैं पूरे समाज के लिए एक जागरूकता, एक मिसाल पेश की थी। उस संदर्भ में आज समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पार्टी कार्यालय में आकर बाबा साहब जी की जन्मदिन को धूमधाम से यहाँ को मनाया गया। CGN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।